नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 12 जून 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। जो प्रश्न हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि हाल ही में G20 समूह के संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो में। हाल ही में G20 समूह की जो थिंक टैंक की बैठक थी, इसका आयोजन तो भोपाल में किया गया था। इसके बाद में G20 का जो कृषि कार्य समूह की बैठक थी, ये इंदौर में आयोजित की गई थी, और जो संस्कृति कार्य समूह की बैठक है G20 की, ये खजुराहो छतरपुर में आयोजित की गई है। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, हमारा प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी वायुमंडलीय प्रयोगशाला केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो हमारे ऑप्शन है सीहोर में, विदिशा में, भोपाल में या रायसेन में। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें, इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। बाकी मैंने मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रयोगशालाओं के ऊपर कल शाम को एक वीडियो भी अपलोड की है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास समारोह का आयोजन कब से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 16 जून से। आप देख सकते हैं कि भारत भवन में गोस्वामी तुलसीदास जो समारोह है, ये 16 जून से आयोजित किया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है, ये तो 16 जून से की जाएगी और ये 2 दिन तक आयोजित होगा, यानी कि 16 जून और 17 जून तक। कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये भोपाल में जो भारत भवन है, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास समारोह का आयोजन किया जाएगा। जो भारत भवन है, इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 को की गई थी, और इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। आप देख सकते हैं कि भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसमें श्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सारी घोषणाएं भी की हैं। तो 11 जून को भोपाल का जो दशहरा मैदान है, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब रिटायरमेंट के बाद जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इन्हें 1,25,000 रुपए एक मुश्त यानी कि एक साथ ही दिए जाएंगे, और जो सहायिका है, जब वह रिटायर होंगी तो उन्हें 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि जो मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उन्हें तो 1,25,000, और जो सहायिका है, उन्हें 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। और आंगनवाड़ी सहायिका की जो पदोन्नति है, इसमें आरक्षण 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिका है, इन्हें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा, यानी कि इनका 5 लाख रुपए तक का बीमा करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो मानदेय है, ये 10,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 13,000 रुपए प्रति माह। आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, इनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए किया जाएगा। 11 जून 2023 को भोपाल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन्हें अभी 10,000 रुपए प्रति माह मिलते थे, लेकिन अब इन्हें 13,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा जो लाडली बहना योजना की 1,000 रुपए की राशि है प्रति माह, वह अलग से दी जाएगी। और जो छोटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मतलब जो छोटी आंगनबाड़ी है उनकी जो कार्यकर्ता है, उन्हें 6,500 रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब कितने वर्ष की विवाहित महिलाएं शामिल होंगी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष की। अभी तक कितने वर्ष की महिलाएं शामिल थी? तो अभी तक 23 वर्ष की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र थी, लेकिन अब इनमें इस योजना में 21 वर्ष की विवाहित महिलाएं शामिल होंगी। आप देख सकते हैं कि लाडली बहना योजना में अब शामिल होंगी 21 वर्ष की विवाहित महिलाएं। तो 10 जून 2023 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में आयोजित लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में कहा है कि अब जो ये योजना है, इसमें 21 वर्ष की विवाहित महिलाएं शामिल की जाएंगी। और 10 जून को श्री शिवराज सिंह चौहान ने 1209 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त है, ये सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना जो योजना है, इसके अंतर्गत जो पैसे दिए जाएंगे, उसकी पहली किस्त इन्होंने डाल दी है। और इसके अलावा जो 1,000 रुपए प्रति माह अभी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, वो 3,000 रुपए प्रति माह इसे किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
लाडली बहना सेना के लिए ड्रेस कोड अपनाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है, तो ये बन गया है कटनी जिला। आप देख सकते हैं कि ड्रेस कोड अपनाने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है कटनी। तो कटनी जिले के हर विकास खंड में लाडली बहना सेना ने अपने लिए पृथक पृथक रंगों के परिधान, यानी कि जो साड़ी है ये परिधान चुना गया है, इसके ड्रेस कोड को तय किया है। और जो कटनी के कलेक्टर हैं अभि प्रसाद, इनके मार्गदर्शन एवं निर्देशन में समूचे मध्य प्रदेश में यह नवाचार करने वाला कटनी प्रदेश का पहला जिला है, जहां ड्रेस कोड के साथ मुख्यमंत्री लाडली बहना सेना का गठन किया गया है। और अभी थोड़े दिन पहले ही श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गांव में लाडली बहना सेना बनाई जाएगी। बड़े गांव में 21 महिलाओं की लाडली बहना सेना बनेगी, वहीं छोटे गांव में 11 महिलाओं की लाडली बहना सेना बनाई जाएगी। अब हम 11 जून 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में त्योंथर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किसने किया है? यह शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, राज्यपाल है श्री मांगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के किसान कल्याण कृषि विभाग विभाग मंत्री हैं श्री कमल पटेल। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 2500 करोड़ रुपए के प्रकरण स्वीकृत कर मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश देश में है पहले स्थान पर। हाल ही में बेहट नगर का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो ये किया गया है तानसेन जी के नाम पर। जो बेहट नगर है अब इसे तानसेन नगर के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले के बमहोरी और सुल्तानगंज को तहसील का दर्जा दिया जाएगा? तो बमहोरी और सुल्तानगंज ये दोनों ही रायसेन जिले में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा जबलपुर में 21 जून को। तो दोस्तों ये था हमारा 12 जून 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रयोगशालाओं के ऊपर बनी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो वीडियो आपके सामने शो हो रही है उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।